विकासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा को लेकर हंगामा रुका नहीं था कि मऊ में इसी तिरंगा यात्रा को लेकर बवाल खड़ा हो गया। यहां पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उसने तिरंगा यात्रा निकाल रहे कुछ युवकों के साथ मारपीट की, उन पर लाठीचार्ज किया। स्थानीय नेताओं ने पुलिस पर दुकानों और ठेलों को भी तोड़ने फोड़ने के आरोप लगाए हैं। कुछ यूथ फायरिंग के कार्यकर्ता और पीजी कॉलेज में वो विद्यार्थी हैं, वो एक तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे। मैं इस रास्ते से जा रहा था, देखा हूँ सारे अपने परिचित कार्यकर्ता है, वो नगर में बड़े अच्छे अच्छे परिवार के लड़के हैं, वो उनको प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती उनके माँ बहन को गाली दिया है और ये बात कतई ठीक नहीं है। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराऊंगा। मामले में पुलिस ने कुछ युवकों पर धारा 144 के उल्लंघन को लेकर भी मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि रैली निकालने की परमिशन उनकी तरफ से दी ही नहीं गई थी। कोई मामला नहीं था, रोक दिया गया इन्हें। जब परमिशन नहीं तो रोकना ना रोकने कोई बात ही नहीं है। आप परमिशन आप पास होगी, हम लोग सिक्योरिटी में लगे आपको ले चलेंगे। कासगंज के बिगड़े हालात से सबक लेते हुए पुलिस नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात हो जिससे शहर में हिंसा या तनाव के हालात बने, इसलिए शहर में धारा 144 लगा दी गई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मऊ।